हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ल्यूमिनस इन्वर्टर में अगर यूपीएस ऑन बताए, ठीक है, लेकिन वोल्टेज आउट ना करे, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपको आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वहीं जब आप सप्लाई इसको दे रहे हैं तो लाइन की सप्लाई आपके घर में प्रॉपर तरीके से आ, जैसे मैं सप्लाई यहाँ दे रहा हूँ, देते ही बल्ब जल गया, लेकिन इन्वर्टर मेंस ऑन है तो आपका जा रहा है, लेकिन यूपीएस जब भी ऑन हो रहा है तो बैकअप नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा ही प्रॉब्लम मिलेगा कि सिर्फ बताया जाएगा कि रिले चेंज कर दीजिए, रिले चेंज कर दीजिए, या फिर आउटपुट फ्यूज जो है वो बदल दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ फ्यूज लगा है, ठीक है, बदल देने से ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी ठीक है रिले से होता है और फ्यूज से होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, उस यहाँ से जो फ्रंट पैनल का जो सप्लाई है उसको अभी रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैं पीसीबी को पलट के आपको दिखा सकूं। देखिए किसी भी ट्वीजर या मीटर के लीड से आपको यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए रिले जो आप चेंज करेंगे, रिले का जब तक यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगा इस पॉइंट पे, तो आप कितना भी रिले बदलते जाएंगे आपका आउटपुट वोल्टेज वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो 3300 ओम के रेजिस्टेंस से जो सप्लाई यहाँ मिलती है, अगर ये सप्लाई क्लियर होगी और फिर ये खराब होगा तब आप बदलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें क्या दिक्कत था, यहाँ पे ही प्रॉब्लम था, ठीक है, और ये बहुत बारीक प्रॉब्लम है। आप क्या करेंगे, रिले बदलते जाएंगे, फ्यूज बदल जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये छोटा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो भी आपका आउटपुट नहीं देगा, या फिर यहाँ पर लूज हो जाएगा, या तो ये लेग लूज हो जाए, या तो ये लेग लूज हो जाए, या फिर आईसी के पॉइंट पर यहाँ पर लूज हो जाए, ठीक है, तो भी आपका आउटपुट नहीं देगा। इस लेग से आईसी जुड़ा हुआ ये भी लूज हो जाएगा तो नहीं देगा, यानी कोई भी ये जो दो पिन है रिले का वर्किंग पिन है, ठीक है, वर्किंग वोल्टेज रिले को यही दोनों पिन पे मिलता है, और अगर इस सेक्शन में कहीं भी लूज होगा तो इसमें वर्किंग वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिससे आपका आउटपुट नहीं बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया, और रेजिस्टेंस खराब हो जाता है तो आप या तो एक तार से शॉर्ट कर दें, नहीं तो 3300 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें। तो वीडियो में कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो ज़रूर पूछें, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और कोई सुझाव है तो ज़रूर भेजें। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के जरूरी वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस आप इसको अच्छे से इसको सोल्डिंग कर दें, बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व देख सकते। जैसे मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ आपका आउटपुट वोल्टेज मिलने लग रहा है।